क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। सो लेट्स सी हाउ वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं साइन 75 डिग्री को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, अब साइन ऑफ ए प्लस बी की अगर अपन बात करें तो ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी के। और अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी को एक डिफरेंट एंगल से हम लोग रिप्लेस करेंगे, और जो रिप्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 45 डिग्री से और बी को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं 30 डिग्री से। और अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि इन केस अगर मैं ए प्लस बी के एडिशन की बात करूं तो ये हमें मिल जाता है 75 डिग्री। तो चलिए अब ये डाटा रिप्लेस कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज और 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और राइट साइड में हम लोग लिख सकते हैं विच इज साइन 45 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका साइन ए है, उसके बाद कॉस 30 डिग्री, दैट इज कॉस 30 डिग्री। पहला टर्म साइन 45 डिग्री है, अगला टर्म कॉस 30 डिग्री है, फिर इसके बाद कॉस 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री के। इसके बाद हमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ये सारा इंफॉर्मेशन को इनकी रेशियो से रिप्लेस करेंगे, और साइन 45 डिग्री की अगर अपन बात करें तो ये बराबर होता है 1/√2 के। कॉस 30 की बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 के। इसके बाद कॉस 45 इट इज अगेन 1/√2, और साइन 30 की बात करें तो ये डाटा बराबर होता है 1/2 के। इन केस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप इसे लिख सकते हैं √3+1 डिवाइडेड बाई 2√2 के। एंड फाइनली दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री ये हमारे पास बराबर होता है √3+1 अपॉन 2√2 के। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर मैं साइन 75 डिग्री की बात करूं, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिस इज और √3+1 अपॉन 2√2, तो साइन 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 -15, और जो कि आपका 75 डिग्री के बराबर ही होगा। और साइन 90 - थीटा ये बराबर होता है कॉस ऑफ 15 डिग्री के। इट मीन्स अगर मैं कॉस 15 पे कमेंट करूं तो कॉस 15 मेरे पास होगा √3+1 अपॉन 2√2 के। तो एक ये इंफॉर्मेशन है जो कि टेन 15 को कैलकुलेट करने में मुझे हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं सेकेंड पार्ट पे मूव करूं तो सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया है कि जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन भी चेक करा देता हूँ। क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, और आपको पूछा गया है कि आप टेन 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब देखिए, टेन 15 डिग्री की कैलकुलेट टेन 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो दो डाटा मुझे रिक्वायर्ड है, उनमें पहला डाटा है साइन 15, दैट इज अ साइन 15 डिग्री, और नीचे जो डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा वो रिक्वायर्ड होगा कॉस 15 के। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि कॉस 15 तो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, विच इज योर √3+1 अपॉन 2√2। बेसिकली अब मुझे मेरा टारगेट है साइन 15 डिग्री को कैलकुलेट करना। अब साइन 15 डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए मैं जो फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी, और ये हमारे पास बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी के। हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 45 डिग्री से और बी को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं 30 डिग्री से। और इन केस अगर मैं ये दोनों रिप्लेसमेंट करता हूं तो लेफ्ट साइड में आपको नजर आएगा साइन 15 डिग्री, दैट इज अ साइन 15 डिग्री। फर्स्ट टर्म हमारे पास साइन 45 है, तो चलिए वैल्यू पहले मैं इसको डाटा रिप्लेस कर देता हूँ, साइन 45। अगला टर्म हमारे पास है कॉस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री के। इसके बाद आप ये सारे डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं। साइन 45 डिग्री हमारे पास होता है 1/√2, कॉस 30 हमारे पास होता है √3/2, कॉस 45 इट इज अगेन 1/√2, और साइन 30 ये बराबर होता है 1/2 के। तो यहाँ पे अगर अपन साइन 15 डिग्री पे कमेंट करें तो ये निकल के आ रहा है √3 -1/√2 के, एंड दैट लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मुझे टेन 15 कैलकुलेट करना है तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टेन 15 हमारे पास होगा साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस
15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री अभी अभी हमने निकाला है, विच इज द रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। और इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था कॉस 15 डिग्री, जो कि बराबर था रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 के। तो चलिए इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं, और आफ्टर कैंसिलेशन 10 15 पे अगर मैं कमेंट करूं तो ये हमारे पास है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 के। आप चाहे तो ये वाला एक्सप्रेशन भी लर्न कर सकते हैं, या फिर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम रूट 3 माइनस 1 जो कि न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में हमारे पास है रूट 3 प्लस 1, हम लोग क्या करें कि इसको रेशनलाइज करें। तो मैंने डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो बैलेंस करने के लिए आपको रूट 3 माइनस 1 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद ये बन जाता है रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। और इन केस अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी रेज टू द पावर 2 अप्लाई करूं तो ये बनता है 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 के। या फिर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3। सो दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री। तो या तो आप रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 याद करें, या फिर आप लर्न करें 2 माइनस रूट 3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको दो डाटा रिक्वायर्ड था, एक तो साइन 75 था, तो हमने साइन 75 को कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 10 15 डिग्री भी आपने कैलकुलेट किया है, तो 10 15 डिग्री के दो रिजल्ट हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। पहला रिजल्ट है रूट 3 माइनस 1 ओवर रूट 3 प्लस 1, या तो आप ये रिजल्ट याद करिए, या फिर आप लर्न कर सकते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो दिस इज साइन 75 एंड दिस इज टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री।